मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल मगध विश्वविद्यालय में कई वर्षों से छात्र अपनी समस्याओं को लेकर दर दर भटकने को मजबूर रहते हैं। यहां आलम यह है कि कई दिनों तक भटकने के बावजूद भी इनका कार्य नहीं होता। यहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य अधर में ही लटका रहता है। हालांकि अब नए परीक्षा नियंत्रक प्रभार में आए हैं, तब से इस विश्वविद्यालय की समस्याओं में सुधार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद गदाकर ने विश्वविद्यालय द्वारा कई महीनों से लंबित परीक्षा फलों को जल्द से जल्द प्रकाशित करने की घोषणा करते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द सभी पेंडिंग रिजल्ट को प्रकाशित कर दिए जाएंगे। साथ ही पार्ट वन और पार्ट टू के परीक्षा फल जो अपरिहार्य कारणों से लंबित हैं, उन्हें अब जुलाई के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं बीएड सत्र 2019-21 फाइनल ईयर के सभी परीक्षा फल भी जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में खबर है कि उन कॉपियों की जांच हो चुकी है, मार्क्स का वेरिफिकेशन बाकी है। बीएड प्रथम वर्ष का रिजल्ट भी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि वोकेशनल 2018-21 की कॉपियां बाहर भेजी गई थी, जिसकी सभी जांच हो चुकी है, जिसे जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं एमबीए और एमसीए के परीक्षा फल भी जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अब इन सब के बीच बीएड पार्ट टू की परीक्षा लेने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसे अब कराए जाने की तैयारी है।